हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल, इजी और डेप्थ में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑप्टिक्स की सीरीज में हमने बात करी थी कि लाइट क्या होती है, लाइट से रिलेटेड जो थी रिफ्लेक्शन था उसकी बात करी थी। उसी की सीरीज में आज हम बात करते हैं मिरर की, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, मिरर क्या होता है। तो आज एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है मिरर, और छोटा सा टॉपिक है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मिरर क्या होता है। तो मिरर एक्चुअली में एक ऐसी सरफेस है जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट का मेजर पार्ट, ज्यादातर पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, कोई ऐसा सरफेस जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट का ज्यादातर भाग रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, ऐसे सरफेस को मिरर बोलते हैं। और नॉर्मली ऐसा सरफेस स्मूथ होता है और शाइनिंग होती है इसमें। ठीक है, तो एक स्मूथ होना चाहिए, चिकना और शाइनिंग, चमकदार सरफेस होता है, और जिसपे पॉलिश कर दी जाती है। इस मिरर को बनाने के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, एक ग्लास की प्लेट लेते हैं, ग्लास की सरफेस लेते हैं और उसके एक तरफ हम पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के लिए हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं या फिर सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, फास्फोरस और पेंटाऑक्साइड रेड कलर का होता है और इसका यूज पहले होता था ज्यादा, अब तो ज्यादातर सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ग्लास की सरफेस और उसकी एक तरफ पॉलिश कर दी, तो ये बन गया मिरर। ठीक है, ये और मिरर क्या करेगा, अपने ऊपर आने वाली लाइट के, ये कोई लाइट की रेस पे आई और इसको ये ज्यादातर लाइट क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ऐसी सरफेस जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट के ज्यादातर पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दे, वापस भेज दे, ऐसे सरफेस को मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्यादातर वर्ड है, मोस्टली पार्ट जो है उसको बोलना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एक सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, जो भी चीजें हमें देख रही है सबसे रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन हर एक चीज मिरर थोड़ी ना होती। मिरर के लिए उस सरफेस से ज्यादातर पार्ट, ज्यादातर मतलब बोले तो 90 या 95 या 90 से ऊपर वाला जो परसेंट है, इतना पार्ट अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो हम ऐसी सरफेस को मिरर बोलते हैं। तो मिरर क्या है, एक स्मूथ और शाइनिंग सरफेस जो अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट का मेजर पार्ट, ये मेजर वर्ड बड़ा बोलना जरूरी है, मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट कर दे, ऐसी सरफेस को मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ग्लास की सरफेस लेते हैं और उसके एक साइड पॉलिश कर दी जाती है, तो क्या बन जाता है, ये मिरर बन जाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कोई एक रे आई है, एक्चुअली एक रे नहीं आती तो इनफाइनाइट है, हम लोग दिखा दिए, एक दिखा दो, दो दिखा दो, दस दिखा दो, कितना क्या फर्क पड़ता है। एक रे आई है और ये इससे वापस से लेकर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे ज्यादातर पार्ट लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। हालांकि कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होती है ना, लेकिन वो हम लोग शो नहीं करते हैं, जब रिफ्लेक्शन पड़ रहे होते हैं तो उसको नहीं दिखाते हम लोग। ठीक है, तो ये मिरर हो गया। अब मिरर की टाइप की बात कर ले, तो मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मिरर बेसिकली जो है वो दो टाइप के होते हैं। अगर मिरर के टाइप की बात करें, एक होता है प्लेन मिरर, एक होते हैं कर्व्ड मिरर। ठीक है, और ये जो कर्व्ड मिरर है ये भी दो टाइप, एक स्फेरिकल मिरर और एक होता है पैराबोलिक मिरर। जो स्फेरिकल मिरर, ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल और कॉनकेव को बोलते हैं अवतल। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, सबसे पहले तो नॉर्मल सा एक कांच की प्लेट लो, प्लेन कांच की प्लेट होती है, उसकी अगर एक साइड हम पॉलिश कर दें तो बन जाता है प्लेन मिरर। ठीक है, ये कांच की प्लेट ली और इसकी एक साइड पॉलिश कर दी तो ये बन जाता है प्लेन मिरर, है ना। जिस तरफ पॉलिश होती है उसकी दूसरी तरफ वाली जो सरफेस होती है उससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है, ये सरफेस ये हर जगह एक ही जैसे होती है, प्लेन होती है ना, ऊपर नीचे नहीं होती, ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग घरों में नॉर्मली यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, कर्व्ड मिरर क्या होता है,
जिसकी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्वड हो, मुड़ी हुई हो, ऐसी सरफेस, ऐसे मिरर को बोलते हैं कर्व मिरर। अब ये कर्व मिरर दो टाइप के हैं, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। ये जो स्फेरिकल, ये जो मुड़ी हुई सरफेस हमने अभी बताया, ये मुड़ी हुई सरफेस अगर स्फेरिकल शेप में होती है, अगर किसी कर्व मिरर की ये जो सरफेस है अगर वो स्फेरिकल शेप में होती है तो वो स्फेरिकल मिरर होता है। अगर किसी कर्व मिरर की जो सरफेस है वो पैराबोलिक शेप की होती है तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक शेप का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये पैराबोला कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये इस तरह से अगर इसके एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए तो ये बन जाता है हमारा पैराबोलिक मिरर, ठीक है। पैराबोलिक मिरर एक्चुअली ये जो कॉनकेव से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इसके बाद बात कर लें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो देखो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हम क्या लेते हैं कि स्फेयर लेते हैं, स्फेयर मतलब गोला, एक हम हॉलो स्फेयर लेते हैं, खोखला गोला, वो भी ग्लास का कांच, ये हमने कोई हॉलो स्फेयर ले लिया। अब इस हॉलो स्फेयर को हमने काट दिया, यहां से इतना काट दिया और काट के इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसके इनसाइड पॉलिश कर दें, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, ये इस तरफ, तो ये जो मिरर बन गया इस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और अगर इसी में हम आउटसाइड पॉलिश करते बाहर की तरफ तो ये जो मिरर बन गया ये बन जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये दो तरह के मिरर होते हैं कि अगर एक इस एक स्फेयर को, हॉलो स्फेयर को हम काट के उसके इनसाइड पॉलिश करते हैं तो बनने वाला जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और अगर आउटसाइड पॉलिश करते हैं तो बनने वाला जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स, कॉनकेव होता है, ये कॉनकेव होता है, ठीक है। अब इसको एक तरह से और बोल सकते हैं कि जो मिरर है, इस मिरर की जो बीच वाली सरफेस है, बीच वाली वो इम्बोस्ड होती है, बीच वाली सरफेस जो है इम्बोस्ड होती है, इम्बोस्ड, इम्बोस्ड मतलब होता है उभरी हुई, उठी हुई, ठीक है। कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में बीच वाली जो सरफेस होती है वो इम्बोस्ड होती है, ठीक है, और जो किनारे वाली होती है वो लोवर्ड होती है, लोवर्ड मतलब होता है धसी हुई अंदर की तरफ, ठीक है। जबकि कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है, हम देखते किसको है, हम देखते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉनकेव में क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो वो बीच में क्या होती है, लोवर्ड होती है, और किनारों पर क्या होती है, इम्बोस्ड होती है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो बीच वाला पार्ट है वो इम्बोस्ड होता है, ठीक है, और जो किनारे वाला पार्ट है वो लोवर्ड होता है। जबकि कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका बीच वाला पार्ट लोवर्ड होता है और किनारे वाला पार्ट इम्बोज होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं ये दो टाइप के मिरर होते हैं, ठीक है। तो ये मिरर के दो टाइप हो गए, और अब अगर इसकी बात करें पैराबोलिक की, तो एक्चुअली पैराबोलिक मिरर एक तरह का कॉनकेव मिरर ही होता है ना, बस क्या होता है इसको और थोड़ा ज्यादा मोड़ दिया जाता है, मतलब इसको पैराबोलिक शेप दे दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि अगर हमें किसी एक पॉइंट पर लाइट को कन्वर्ज करना होता है तो उसके लिए कॉनकेव मिरर से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है पैराबोलिक मिरर, ठीक है। खैर इसका यूज कम मिलेगा अभी हम लोग को, ठीक है, हम लोग को मेन यही है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हमारे मिरर के कुछ टाइप हो गए, और इसके आगे बात करेंगे अब जो हमारा किस तरह से इन मिरर्स के इमेज, इन मिरर से किस तरह से इमेज बनता है। तो पहले बात करेंगे प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज बनता है, फिर स्फेरिकल मिरर से किस तरह से इमेज बनता है, उसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।